তো আমরা এখন এসেছি কেশরের দোকানে। তো এখানে কেশর পাওয়া যায়, অরিজিনাল কাশ্মীরি কেশর। তো আমরা কেশর অনেক দেখেছি কিন্তু অরিজিনাল কোনটা সেটা আমরা দেখিনি। এমনি দোকানে যেটাই বিক্রি করে সেটাই বলে কাশ্মীরি। তো আজকে অরিজিনাল কেশর দেখবো। তো এই দোকানটাই ঢুকবো, আর এটা হচ্ছে কাশ্মীরের বিশাল ফেমাস দোকান। তো এইটাতে ঢুকে দেখবো কিরকম কি কেশর আছে। किस चीज से बनता है ये? बनता है 11 मसालों से सर। हाँ, और इसमें होता है सैफरान भी थोड़ा सा होता है, और हनी या तो शक्कर सर, दोनों में से एक डालो इसको, फिर बनता है कश्मीरी ट्रेडिशनल टी। इसको बोलते हैं कहवा। कहवा माने सर 11 मसालों का होता है। 11 मतलब हम बोलते हैं कश्मीर में उसको कह मतलब 11 सर। तो इटा कहवा नाम हो का माने हो 11। तो 11টা মশলা দিয়ে এটা হচ্ছে, যার জন্য নাম হচ্ছে কাওয়া। আর এটার মধ্যে কেশর দেয়া থাকে, মধু দেয়া থাকে। এটা কাশ্মীরের একটা ট্র্যাডিশনাল খাবার। তো এর মধ্যে ড্রাই ফ্রুটও দেওয়া আছে অনেক। ये क्या है? ये एप्रिकॉट्स है। एप्रिकॉट्स जी जी, जर्दालू जिसको बोलते हैं ना। हाँ। हमारे पास दो टाइप्स के जर्दालू होते हैं, ठीक है। दिस वन इज क्रैनबेरी, दिस वन इज ब्लैकबेरी, एंड ऑल दिस हैव जो ये फ्रूट्स हैं ना, इनके खुद के बेनिफिट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो है ना, इसका अनदर नेम है ब्लड प्यूरिफाई, ठीक है। ब्लड प्यूरिफाई करता है, ब्लड प्यूरिफाई करता है, इसको कहते हैं ब्लैक बेरी, अनदर नेम ब्लड प्यूरिफाई। एंड दिस वन इज ब्लू बेरी, इट इज गुड फॉर हीमोग्लोबिन। एंड दिस इज मामरा बादाम, मामरा बादाम, मामरा मीन्स मोर ऑयल, इसको बोलते हैं ऑलमंड। हमारे यहाँ बोलते हैं हिंदी में इसको बादाम, ठीक है। लेकिन बादाम में क्वालिटीज होता है, एक हो गया कर्मल बादाम, ठीक है, दूसरा हो गया जो ईरान से बादाम आता है, तीसरा हो गया जो कैलिफोर्निया बादाम होता है, इसको कहते हैं मामरा बादाम। मामरा, मामरा मीन्स मोर ऑयल। ब्लैक बेरी प्रथम बार देख लो, अनेक किचा जगह এগুলো মানে প্রতিটা জিনিস দারুণ দারুণ বহুত আচ্ছা কাশ্মীর সো বিউটিফুল। দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট থিং হিয়ার, ইট ইজ স্যাফরন। ইন ইন্ডিয়া অনলি 8 কিলোমিটার অফ রেঞ্জ দ্য স্যাফরন ইজ গ্রোন ইন আওয়ার ভিলেজ। ইয়া পারে হতা হ্যাঁ ইয়ার ভিলেজ। দিস ইজ স্যাফরন ওয়্যার দ্য ফ্লাওয়ার কামস, দ্য ল্যান্ড অফ স্যাফরন, জাস্ট লাইক দিস দ্য ফ্লাওয়ার কামস ফ্রম দ্যাট টি। স্যাফরন দ্য ফ্লাওয়ার अभी तो नहीं है ना, फ्लावर अभी नहीं है। सैफरन फ्लावर ये देख पाता तो बहुत अच्छा लगता है। ये जो पूरा कश्मीर है ओरिजिनल केसर, इसका प्राइस कितना है यहाँ पर? 250 रुपीस पर ग्राम। 250 रुपीस पर ग्राम, यस। अढ़ाई सौ। तो केजी कितना हो रहा है? 2.5 लाख। 2.5 लाख, वाह, 2.5 लाख का केजी ओरिजिनल केसर। ये देखिए आप, दिस कमर्स, ये ऑयल आता है इस। उसमें ऑयल नहीं होता, इस फुली ऑयल है। आप वॉलट्स, इसमें ओमेगा 3 होता है। 500 ग्राम का पैकेट है ना आपके पास? हाँ हाँ, एक दीजिए। इसमें वन सिंगल ड्रिंक, एक ही पेड़ का होता है, या अलग अलग पेड़ का होता है। ये कैसे खाता है ये? कौन से खाता है? खाता है इसे। एक मॉल नहीं है, मॉल में खाली पैकिंग होती है, यहाँ पे सभी चीजें ओपन है। आप एक देख सकते हैं। हाँ, वाई नॉट, एक कॉम्प्लीमेंट है, आप पहले देख सकते हो फिर ले सकते हो। आप इसका पैकेट ये था, केसर का पैकेट 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम एंड ये 40 ग्राम, जिस पर 1250 टका, 2500 टका, 5000 टका और 10000 टका। 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 40 ग्राम, 1400 पर केजी सब। यहाँ का सबसे बेहतरीन चीज आता है शिलाजीत। शिलाजीत इसको मटर के दाने के बराबर पानी या गर्म पानी में या गर्म दूध में एक गिलास में डालना है और पीना है। ये 4000, छोटा वाला 2000। शिलाजीत, हाँ।
ये कितना दिन रहता है? ये आप 6 महीने रख सकते हैं, अपने फ्रिज में रख सकते हो, खाली फ्रीजर वाले साइड नहीं, नॉर्मल साइड में रखना है, नीचे रखना है। केसर को फ्रिज में नहीं, केसर फ्रिज में नहीं, ना डायरेक्ट सनलाइट में खुला रखना है और ना इसमें गीला हाथ, पानी वाला हाथ नहीं डालना है। इसको आप 20-30 साल रख सकते हो अपने वॉकर्स में, ड्रावर्स या डायरेक्ट किचन में रख सकते हो। ये देखो करते हैं सैफरन का, थोड़ा सा दो इधर नहीं देखिए ना, वेरी ब्यूटीफुल। ये सैफरन ऑयल है, ये फेस एक्ने के लिए, डार्क सर्कल के लिए और ब्लैक डॉट्स के लिए होता है। ये कितने का है? ये 750 का है। ये सबसे बेहतरीन चीज है, इसमें जो बेस होती है वो ग्रेप सीड ऑयल की होती है, जो डॉग सर्कल के लिए सबसे बेहतरीन है। ये सैंपल है, ये सैंपल दादा बैठने दो, बैठो बैठो बैठो, मैं मुखिन नहीं मिलेंगे इसके अंदर है। हां इसमें 2-4 पीस होते हैं, मैं देखता हूं, चेक करता हूं। कैसे नहीं भेजो खा, कैसे नहीं, इसमें 6 पीस होता है। 6 पीस का कितना आता है? 2400 वॉलनट और एप्रिकॉट एक्सट्रैक्ट होते हैं, फिर आप दोनों हाथों की डिफरेंस देख सकते हो। जो आपकी है, कार्ड पेमेंट होगा, जी पे, गूगल पे, पेटीएम, जो भी है आपका, आपका हर कुछ कर सकते हैं। डोमेस्टिक कार्ड होगा, इंटरनेशनल कार्ड होगा, हर कुछ चलेगा। आप देखो दोनों हाथों, ये देखो ये तो सैफरन का क्रीम, फेयरनेस के लिए सबसे बेस्ट होता है। और सूंघ के देख सकते हैं आप, इसको सूंघिए, स्मेल कीजिए। और यह था सैफरन का फेस वॉश, ये कितना प्राइस है? ये देखो रोज वाटर यहाँ का दिखा सकते हैं आप, खा लीजिए, सुन के देखिए, आके बात कीजिए सर। अच्छा लगा? और ये बोतल लाल है, जो पानी है अंदर वो वाइट है। ये सब ये इसको आप ऐसे खा वैसा चीज होता है, ये कोल प्रोसेस सभी चीजें हैं, आपने ऐसा इलायची देखा होगा मेरे को मार, सच बताना। ये कितना के जी है? 4000 रुपए किलो, किलो ये सबसे बेस्ट आता है यार। ये देखिए मैम, ये केरला वाली इलायची नहीं है, काबुल अफगानिस्तान से आती है। जहाँ पे आप केरला वाला 100 ग्राम यूज करते हैं ना, वहाँ पे 10 ग्राम काफी है। आप लीजिए आधा किलो इससे, फिर देखिए इसमें डिफरेंस, जो घर में इलायची होता है ना उसमें देखिए डिफरेंस। कितना बोला केजी? 4000 रुपए किलो स्ट्रांग होता है। ये कितना केजी है? ये 400 रुपए 200 ग्राम है, ज्यादा महंगा नहीं है, 400 रुपए टका है, ले लो 400 टका। परफ्यूम कस्तूरी डियर, कस्तूरी डियर नहीं, पहले वाला अच्छा, सबसे अच्छा है ये भी, इससे महंगा है ये वाला, तो वाला भी अच्छा, ज़्यादा अच्छा है। इसे इसको आप कपड़ों पे लगाओगे ना, कपड़े धोने के बाद भी ये रहेगा। सैफरन 5 ग्राम, शिलाजीत 1, अतर 1 डब्बा, क्रीम प्लस स्क्रब, क्रीम प्लस फेस वॉश, वॉलनट गिरी, आलमंड गिरी, बेरीज 1 किलो, इलायची और दालचीनी। अरे कुछ नहीं होगा सर, आप बता दो ना, एड्रेस बता दो, कोरियर कर दूंगा मैं, कोई टेंशन नहीं, बंगाल पहुंच जाएगा। चंदन कोई दिन भेबे चिलेस किशोर गाज देखो, ना ये तो भाभी नहीं, अभी कोई नहीं, तो अरे ये कि नाच ये फूल नहीं है, इसमें खाली केक। हां तो देखो किशोरर गाज দেখুন পুরো খেতে কেশরের চাষ করেছে। ফুল হ্যাঁ অরিজিনাল ফুল, হ্যাঁ অরিজিনাল ফুল হম নিকালতে হ্যাঁ গা, ইয়ে হ্যাঁ এই যে কেশরের ফুলগুলো বেশি দূরে হয় না, গাছের থেকে 1 ইঞ্চি কি 2 ইঞ্চি দূরে হয়, দিস ইজ গ্রিন, তো দেখতে পারলে খুব ভালো হতো। সি এই ছোট ছোট গাছ হয়, একটু দূরে হয় ফুল, সি 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 उनके पास नहीं होगा ये सीड, इसके अंदर होता है क्या? नहीं ऊपर ऊपर आता है, पहले आपने देखा ना भाई, फ्लावर कहाँ पर?
थोड़ा थोड़ा देखो ये नेचुरल हम यहाँ निकालते हैं पूरा मार सु तो केसर चासो বরফ দেখতে পারবেন আর কিছু দেখতে পাবেন না তবে অবশ্য বরফের সৌন্দর্য একটা আলাদা সৌন্দর্য কিন্তু এইগুলো দেখার দরকার আছে আমি মনে করি কাশ্মীরে এলে বরফের থেকেও এইগুলো দেখা বেশি দরকার আপনারা যদি কেউ কেশরের ফুল দেখতে চান কেশর দেখতে চান গাছের থেকে তাহলে অক্টোবরে আসবেন এই যে কেশর গোটা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে দু জায়গাতে হয় তো ইরানে হয় কিন্তু ইরানে এটা অত ভালো না এই কাশ্মীরটা হচ্ছে এক নম্বর আর কাশ্মীরের মধ্যে সব জায়গাতে হয় না যে জায়গায় যেখানে দেখালাম শুধু এইখানে কিছুটা এলাকা নিয়ে এই চাষটা হয় তো এটা দেখতে পাওয়া একটা ভাগ্যের ব্যাপার আর আমরা পেরিয়ে আসলাম তার একটু আগে পুলওয়ামা অ্যাটাক হয়েছিল তার একটু আগে যেখানে আমরা সব কিছু কিনলাম তার পাশে তো আমি চাইছি যে ব্লগটা এইটুকুই থাকুক শুধু কাশ্মীরের মেন খাবারগুলোর উপরে তো নেক্সট ব্লগটা বানাবো ভাবছি অন্য ব্লগে কী করি যে পুরো সারাদিন একটা ব্লগ হয় কিন্তু এটা এত ভালো একটা টপিক আমি চাইছি যে যার জন্য শুধু একটা টপিকের উপরে এই ব্লগটা থাকবে তো কেমন লাগলো জানাবেন আর যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে।